छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। क्या हुआ रिजा, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? मुझे ये बताओ रमीज, दुनिया में सारे फायदे क्या सिर्फ मर्दों के लिए हैं? है? अच्छा, पर रिजा मैंने तो आज तक कोई फायदे नहीं उठाए यार हदों के। बच्चों मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, वरना तुम तो। अरे रिजा, कोई मसला है तो मुझे खुलकर बताओ, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं हल कर दूंगा। देखो रमीज, मुझसे घर के काम नहीं होते, एक तो मम्मी भी नहीं है, सारे घर का बोझ है ना मेरे मासूम से कंधों के ऊपर पड़ गया है। अरे रिजा, दो लोगों का काम होता ही क्या है? नहीं, मुझे मासी चाहिए। क्या मासी? यार रिजा, यार वो तनख्वाह लेगी यार। तुम मेरी खातिर इतना सा नहीं कर सकते? तुम्हें पता है लोग अपनी बीवियों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं। यार रिजा, बजट आउट हो जाएगा यार, और वो हाँ मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो अब मम्मी जी के डर से कुछ भी नहीं करें, है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा करते हैं कि आधा काम तुम कर लो और आधा काम मैं कर लेता हूँ। कंजूस मक्खी चूस, मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ कहोगे, इतनी छोटी सी ख्वाहिश को मेरी तुम पूरा भी नहीं कर सकते। अरे नहीं 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 रिजा, बात समझो यार, समझो, बजट नहीं है। आलिया के घर में पता है कितने मुलाजिम है? चार चार मुलाजिम है। जब भी फोन करो ना, पता चलता है कि वो पार्लर गई हुई है, और काम सारे मुलाजिम करते हैं। लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत का मर्द तो वही अच्छे होते हैं कि बीवी के मुंह से बात निकले और वो फौरन पूरी हो जाए। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, और क्या? कोशिश नहीं, मुझे मासी चाहिए तो चाहिए। आज से मैं कुछ नहीं करूंगी, ना ही मैं खाना बनाऊंगी, ना ही चाय, सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मुझे मासी चाहिए, समझे? रिजा बात तो सुन लो। क्या मुसीबत है यार, अब ये मासी 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 कहाँ से पैदा करूँ मासी यार। हाँ आलिया, कैसी हो? मैं तो बस पेडिक्योर करवाने के लिए निकल रही थी। काम? मैं कहाँ करती हूँ काम, काम तो मासी करती है ना। क्या बताऊँ आलिया, मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मैं घर के काम करूँ, लेकिन पता है क्या, रमीज नाराज जाते हैं। वो कहते हैं जब मुलाजिम घर में तो तुम क्यों काम कर रही हो। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। बाय। वाह, आज तो मैंने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। रोज मुझे सुनाती थी ना, आज मैंने जलाया है इसे। जल रही होगी। फरा को भी तो बताना है। एक मिनट, फरा 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 फरा। हद तो गई है यार, जाने तो अपनी सारी दोस्तों को बता दिया कि मासी अरेंज नहीं हुई है। यार किसको? हाँ साजिद, साजिद कहाँ रह गया यार? साजिद, मुश्किल तरीन काम है मासी ढूंढना। मैंने तो पहले मासी ढूंढी थी, फिर शादी की थी। किससे? मासी से? अरे नहीं यार, तेरी भाभी से। अबे यार कुछ कर यार साजिद, कुछ कर। अब क्या करूं? अरे शादी तो कर ली ना तेरी भाभी से। अबे नहीं यार, मासी का कुछ कर। अरे भाई एक दो दिन में तो मासी नहीं मिलती ना, वेट तो करना पड़ेगा। अरे यार वेट का कोई मसला ही नहीं है, जितनी मोटी हो बस काम अच्छा करे बस। नहीं भाई, इंतजार करना होगा यार। किधर? बस स्टॉप पे? घर पर। के? मासी के? अबे नहीं भाई, अपने ही घर पर इंतजार करना होगा जब तक मासी मिल नहीं जाती। यार साजिद समझ यार, इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। मासी का? अरे नहीं मेरी यार। यार तुम्हारी इज्जत किसी ने खराब कर दी? यार तुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अबे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रिजा है ना, उसने ऐलान किया है अगर आज मासी नहीं मिली तो वो घर का कोई काम नहीं करेगी। मस्जिद में? अरे पागल, घर में। इतना हक तो बनता है भाभी का यार। क्या के वो ऐलान करे? नहीं, यही कि बीवी हमसे फरमाइश करे, भाई इतना तो हक है ना उनका। यार घर से तेरी भाभी का फोन, एक सेकेंड। हाँ हेलो जानू, क्या गर्मियों की शॉपिंग करनी? अरे पागल हो गई हो क्या, पिछली गर्मियों में दो सूट तो दिलवाए थे ना जानू तुम्हें। अरे कुछ भी नहीं होता भाई, उसी को सीकर पहन लो। मेरे पास तुम्हारी फरमाइशों के लिए पैसे नहीं है, समझी? हाँ तो भाई क्या कह रहा था रमेश तू? यही के आपके पास पैसे नहीं है। नहीं यार, तुम्हें मासी चाहिए थी ना। हाँ, यार साजिद कोई जुगाड़ लगाएगा ना। ठीक है, एक है उससे मैं बात करता हूँ, बल्कि उसे भेज देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं यार रमेश, अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, चल, 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 चल। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते दानिया, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानी। अरे आया भाई, आया।
जी फरमाइए। एक्सक्यूज मी। जी 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 आप कौन? मिस्टर रमेश हैं। जी जाके उन्हें दसो नसीबो आइए। नसीबो? और वो जी मुझे ना साजिद साहब ने भेजा है काम के लिए। किस काम के सिलसिले में? ओह घर के काम के लिए, आप इतना ही सोच लें बस। क्या अब आपका मतलब आप घर के काम करती हैं? जी हाँ, बुलाते हैं या फिर मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, कहाँ जाओगी इतनी धूप में? आओ 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 अंदर आओ अंदर। बेगम साहिबा तो है ना? हाँ 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 हाँ, तभी तो बुला रहा हूँ। चलो फिर मेरा बैग चुक के ले आ। क्या मैं और बैग लेकर आऊँ? मतलब रमेश साहब बैग लेके जाएंगे? तो फिर मैं जाऊँ? नहीं 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 नहीं, तवा कैसी बात करिए, मैं लेकर आता हूँ ना। हाँ है, कितना प्यारा, कितना बड़ा घर है, झूला भी बड़ा है। एक मिनट। हाँ कौन हो भाई, क्यों मुंह उठा के घर में चली आई मेरे? आप कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? ले तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने कोई मैन किया? ज्यादा बातें मत बनाओ, ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रही हो? रिजा, रिजा, रिजा। अरे क्या मम्मी वापस आ गई? सामान मम्मी का? नहीं नहीं रिजा, ये ओ जी ये मम्मी का नहीं, मेरा सामान है। क्या तुम्हारा सामान? रमेश कौन है ये? ये 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 ये, ये नसीबो है। नसीबो? नसीबो? हाँ। पर ये यहाँ कर क्या रही है? वो रिजा ये है, ये मासी है, मासी है। हाँ। क्या सामान के साथ? ओ जी ये सामान है, कोई बच्चा नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमेश ये बोल कैसे रही है? यार रिजा तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मासी चाहिए। इतनी खूबसूरत, मतलब ऐसी मौसी कौन रखता है? ओ जी अगर आप लोगों ने आपस में खुसर खुसर करनी है तो मैं जा रही हूँ। रिजा ये बड़ी मुश्किल से मिली है, तुम चाहो तो खुद इंटरव्यू कर लो, इसका सोच लो। रमेश ये बहुत नसीबो, बेगम साहिबा तुम्हारा इंटरव्यू करेंगी। ओ भाई फिलहाल बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। अच्छा मैंने यह तो दसो मेरा रूम किधर है? कमरा? तुम्हें कमरा भी चाहिए? ले तो मैं क्या सड़क पे सोऊंगी? आओ चलो चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा दूँ। एक्सक्यूज मी क्या? अरे ये मसीह क्या है, नखरे तो देखो इसके, कमरा भी चाहिए इसे और रमीज इसके आगे पीछे घूम रहा है। देख लूंगी रमीज। क्या हुआ डार्लिंग, तुम खुश क्यों नहीं हो? मासी आ तो गई है। तुम तो इतना खुश हो रहे जैसे घर में बिजली आई है। अरे मासी ऐसी नहीं होती हैं। अरे जब तुमने ही तो कहा था कि तुमसे मासी का काम शाम नहीं होता, तो मैंने सोचा मासी रख ले। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है वो। यार आजकल ऐसी ही मासी आ रही है भाई। रिजा तुमने देखा उसने मुझसे ज्यादा महंगा मोबाइल रखा हुआ है। अच्छा तो तुम इसी बात पे ज्यादा परेशान हो हैं? देखो रमीज ऐसी मासियां काम नहीं करती है, हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है, हमारे लिए मुनासिब नहीं है। रिजा बड़ी मुश्किल से मिली है भाई, ऐसा मत कहो, अगर नहीं मिली या चले गई तो फिर काम सारे तुम्हें करने होंगे। काम तो मैं नहीं करूंगी रमीज। तो फिर बस इस मासी को रखना पड़ेगा रिजा। अच्छा ठीक है बस तुम जरा एहतियात रखना, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत मतलबी और जादूगरीना टाइप की होती है मासियां। यार रिजा कैसी बातें कर रही हो, हद हो गई यार, मैं खूबसूरत मासी वासी और लड़कियों को मुंह नहीं लगाता, आखिर मेरा भी कोई स्टेटस है यार। पता है। नहीं क्या? गुड आफ्टरनून आप फ्रेश हो गई इंटरव्यू के लिए है? हाँ जी पूछे क्या पूछना है। हाँ भाई तो तुम शादी शुदा हो? ओ ना जी अभी मेरी उम्र ही क्या है। रमेश सवाल मुझे करने तुम्हें नहीं। जी 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 आप पूछे मेरा क्या ताल्लुक? चुप, कब से काम कर रही हो? ले पिछले 5 साल से कर रही हूँ। काम क्यों छोड़ा? जी ये मेरा पर्सनल मैटर है, नो कॉमेंट्स। ठीक तो कह रही है नसीबो, अब नेक्स्ट। चुप, क्या क्या बना लेती हो? ओ जी सब कुछ, 20 साल से लेके 60 साल के बूढ़ों तक। क्या मतलब यही कि 20 साल से लेके 60 साल के बूढ़ों तक के लिए? तनख्वाह कितनी लोगी? ज्यादा तो नहीं, 20,000 चाहिए। क्या 20,000? अरे तुमने MBA किया है क्या? हाय हाय तुम्हारी हालत देख के तो मैं 20,000 ले रही हूँ, वरना 25,000 से तुम 1 रुपया कम नहीं लेती। अब वो फिक्र की बात नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, पूछ ले मशवरा कर लेना है ना। रमीज बहुत तनख्वाह बता रही है, कहाँ से देंगे? कर लेंगे। नेक्स्ट। अच्छा खाना साफ सुथरा बनाना होगा और कपड़े भी धोने होंगे। हाँ कर लेगी भाई, तुम क्यों नसीब हो भाई, तुम चुप नहीं रह सकते रमीज। ओ हो गया, कुछ मेरी भी शरारतें सुन लो। ओ
अच्छा क्या शरारत है तुम्हारी बताओ। ओ देखें जी, सैटरडे संडे को जो मैं खाना बनाऊंगी ना वो ब्रेकफास्ट के साथ ही बनाऊंगी दोपहर का। सफाई 3 दिन करूंगी और एडवांस में 2 महीने की तनख्वाह लूंगी और हर हफ्ते ना 500 रुपए का ना इजी लोड भी चाहिए। वैसे पिक एंड ड्रॉप की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर ले कमरा दे दे, मैं यहीं रुकूंगी। क्या 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 ये तुम्हारी शरारत है? ऐ कोई मसला ही नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं तो मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा देती हूँ आई एम फ्री। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट भी है? ओ जी, मेरा तो ट्विटर और लिंक्डइन भी है। ओ गॉड, रमीज ये मासी है ना? हाँ मासी है। दादा तुम अपना काम करो, हमने तुम्हें रख लिया। ओ जी आप दोनों तो नसीबों वाले हैं, जो नसीबो आप लोगों के घर में जॉब कर रही है। अच्छा गल सुनो, किचन तो दिखा दो। चलो आओ। एक मिनट, तुम यही बैठो मैं दिखाऊंगी। चलो आओ। नसीबो सारा काम मैंने तुम्हें समझा दिया, अगर अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। और ना जी, मैं किसी से पूछ के कुछ भी नहीं करती, अपनी मर्जी से करती हूँ। क्या मतलब? यही कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बड़ी सफाई से काम करती हूँ। तो भी ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। और ना जी आज से नहीं, कल से। कल से क्यों? ले मैंने कहा ना मेरी मर्जी। अच्छा सुनो, चाय बनाना तो एक कप मुझे भी दे देना। अरे ये मासी के नवाबजादी, मैं इसके लिए चाय बनाऊंगी। रमेश रमेश, वाह वाह वाह, क्या आला पिक्चर लगाई है इस नसीबो ने। क्या करूं, फ्रेंड को भेज दूं? भेज देता हूं ये। रमेश, हां डाली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के? क्या मतलब, क्या अच्छा नहीं किया? वो नसीबो मुझे बोल रही थी कि चाय बना कर दो। हां तो बना दो। क्या मैं उसके लिए चाय बनाऊं? अरे मासी वो है कि मैं नहीं नहीं रिजा, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना होगा ना, थोड़ा काम तो करना होगा ना। वो देखो मैंने तुम्हारे कहने पे उसे रखा है। हाँ। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले बस। मेरा मतलब कि फ्रेंडली माहौल में काम करेगी मैं तो अच्छा लगेगा ना, है ना? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो जानू, तुम्हारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं नसीबों को शूट कर दूं। नहीं, तुम जेल चले जाओगी रिजा। अच्छा तो तुम ही संभालो। सच्ची संभालो मतलब गाइड करो उसे। अरे रिजा मैं कौन सा उसे गाइड करूं, वो इस शहर में नई थोड़ी आई है। मेरा मतलब है कि उसे घर के तौर तरीके समझाओ कि हमारे घर में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। नो प्रॉब्लम, मैं अभी गाइड कर देता हूँ। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते। तो इन बीवियों को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सोचते ही कभी कहती उससे बात नहीं करो और अब कह रही जाके उसे समझाओ, उसे बात करो। मैं तो चला बल्ले 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 तो मैं नहीं बोल रही, मैं फोन पे बोल रही हूँ। अरे भाई तुम मुझे डायरेक्ट भी कह सकती हो, फोन का सहारा तो कमजोर लोग लेते हैं। क्या? नहीं वो मैं तो बस यूं ही कह रहा था, वो काम का कहता तो शायद अजीब लगता। वो हाँ तुमने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली मेरी? ले तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी? ऐसा बोलो रिजा ना सुन ले। अच्छा तो तुम अपनी बीवी से भी डरते हो? मैं डरता थोड़ी हूँ भाई, क्या हो गया? हाँ बस मुझे सब नजर आ रहा है। नसीबों को समझा दिया था ना? हाँ। पर क्या जो बोला था? अरे लेकिन रिजा वो तो कुछ भी नहीं बोली। नहीं जब मैंने बोला था। नहीं तुमने क्या बोला था? रमीज बोला था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है रमीज? नसीबो। क्या नसीबों की तरफ? नहीं, वो मैं गया था नसीबों की तरफ। तुमने उसे साफ साफ बोल दिया ना? बोल दिया। गुड, मैं आ रही हूँ, मुझे आलिया को फोन करना है। ओ हाँ वो फंस गया है, और तुझे तो पता है ना हसीना दिल फेंकने वालों के साथ क्या करती है। वैसे आपस की बात है, बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी है, उसने तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी चोरी चोरी अपनी बीवी से, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। बहुत ही ना बेवकूफ किस्म का है, और तुम्हें तो पता है ना इस तरह के बेवकूफ लोग हमारे ही शिकार होते हैं। और तू देखी मेरे नाल करनी की हाँ। अच्छा सुन, मैं तेरे नाल फिर गल करनी हाँ, उसको ना चाय बना के देनी है, ऐसा ना शक हो जाए। ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। ओके रब रखा। हाय, ऐसा स्टेटस अपलोड करता हूँ कि वो नसीबो ना फौरन से मेरी बात समझ जाए यार। क्या था ये? हाँ ये चाय, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ।
तुम चाय तुम क्यों लेकर आई? मैं खुद बना लेता। तुम तो कल से काम ले नौकरी की है तो नखरा की हो जा। मैंने सोचा कल काम करना तो आज से ही क्यों शुरू कर दूं। वैसे एक बात बताऊं, तुम ना कहीं से भी मुलाजमा नहीं रखती हो नसीबों। देखे जी ना, ये तो सब नसीबों की बात है। प्लीज ये साहब ना कहो मुझे, मुझे ना रमीश कहो। हाय हाय, ठीक है रमीश है, मेरा मतलब रमीश साहब कहो। दुनिया बदल चुकी है, साहब और मालिक में कोई फर्क ही नहीं था। अच्छा चले चाय पिए ना, इतने प्यार से बना के लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, प्यार से तो बंदा जहर भी फांक लेता है, ये तो फिर भी चाय है। हाय हाय, तो फिर पिए ना। क्या हाय हाय चाय। हाँ पी रहा पी रहा पी रहा। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते ये नादानियां, मीठी मीठी है गलतफहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां। ये के चक्कर ये वो चक्कर है जो तुम लोगों को देते थे, ये वापस आ रहे हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हुण देखी तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते ये नादानियां, हम दोनों दो जख्म में। शट अप। और ये क्या है? क्या 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 मेरी और नसीबों की सेल्फियां? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी रमीश, तुमने मासी के साथ ऐसी ऐसी तस्वीरें खिंचवाई है। नहीं 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 रिजा, अल्लाह को मानो मैं नहीं हूँ भाई वो। तुम इस हद तक गिर सकते हो मासी के साथ? अरे ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, लोगों को क्या जरूरत है कुछ कहने की। सॉरी नसीबो, रमीश की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ना 5 लाख का बंदोबस्त करें बस। क्या 5 लाख? हाँ हाँ, नहीं तो और तस्वीरें अपलोड कर दी। तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? ओ ना जी, मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो इनकी सारी बेवकूफियों को ना फेसबुक पे अपलोड करने की लगी हुई हूँ। 5 लाख दे दे, मैं सारे पिक्चर डिलीट कर दूंगी। नहीं 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 भाई, ये क्या कह रही हो, तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? और रखो मासी। अरे भाई तुमने ही तो कहा था कि तुम काम नहीं करोगी। मुझे क्या पता था कि मासी ऐसी निकलेगी। अच्छा तो अगर नहीं दे रही तो मैं अभी पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। हम कुछ करते हैं ना, कुछ करते हैं। नहीं नहीं रिजा प्लीज, मुझे बचा लो यार, ये मोहल्ले वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे मुझे। सिर्फ कहेंगे नहीं, चित्रोल भी होगी। चलो और जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। हाँ 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 हा, मारे। चलो उठो रमीश। ये रहे, इसमें 1 लाख रुपए कैश और कुछ जेवर है। ठीक है मैं जा रही हूँ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ना मुझे कोई शौक नहीं इसकी तस्वीरें रखने का। नहीं हमारे सामने करो प्लीज। चल की याद कर सी, मैं हुणे डिलीट करनी है। ओ कर दी डिलीट, तसल्ली हो गई। हर लड़की फंसने वाली नहीं होती, फंसाने वाली भी होती है। भाई तुमने तो तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब किस बात के पैसे और जेवर तुम्हारे हैं? रमीश। अरे रिजा, इन धोखेबाजों का यही हल है। नहीं, हंस क्यों रही है भाई? ओए तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मेरे पास में इसके अंदर कॉपी भी है। ये आपकी अमानत है, आपकी है, मैं कैसे ले सकता हूँ? है मजाक कर मेरे नाल ना कोई होशियारी नहीं करना। तुम पागल हो गए हो रमीश, क्यों इतनी होशियारी दिखा रहे हो? हाँ हाँ बहुत तेज हो, हमें चूना लगा रही हो। आपको नहीं जी, बहुत सारों को चूना लगाया इन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, ये साजिद आपके साथ क्या कर रहा है? अरे बड़े दिनों के बाद तो हाथ आए ये मौसू। 1 महीने से रेकी चल रही थी इन दोनों की, और ये नसीबो जो लोगों के नसीब खराब करके भाग जाती है, ये दोनों मिले हुए हैं और इसने ही प्लान बनाया है इसको यहाँ भेजने का। क्या? मैं तो तुम्हें बहुत सीधा साधा समझता था यार साजिद। हाँ जी, ये तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हैं। बहुत बातें कर रही थी ना कि तुम्हारा फेसबुक पे अकाउंट भी है, अब जाओ अपना अकाउंट जेल में खुलवाओ, ले जाए इसको इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे ना इनकी तस्वीरें खींचनी है ताकि मैं अपलोड करूँ कि पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया है। इधर देखिए नहीं।
यार हामिद, मैं बस चाहता हूँ कि मैं बताऊँ उसे कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अरे यार उसे सिर्फ लगे कि रमीश सिर्फ उसका है, और हाँ मैं उसके कदमों में ना दुनिया की सारी चीजें ला के रख दूंगा, अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में वो प्रपोज करना चाह रहा है और सब कुछ उसके नाम करना चाह रहा है। ऐसे मर्दों का एक ही इलाज है, वो क्या? तुम उसकी तमाम जायदाद अपने नाम पे करवा लो। फिर किसी कंगले लड़के के साथ कोई लड़की भी शादी नहीं कर सकती।